हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विवेकानंद, वेलकम टू द सेशन। बच्चे, टुडे वी हैव ऑल इंडिया रैंक 53 इन आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम। प्लीज वेलकम मिस्टर रुद्र बनर्जी। ये जो सेशन होने वाला है ये एक तरह से बाइलिंगुअल होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इसमें कुछ ना कुछ रहेगा। नेक्स्ट थिंग, हम इस बारे में बात करेंगे कि इनका जो रैंक आया है वो जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस तरह का रैंक लाने के लिए, इन्होंने किस तरह से तैयारी की थी, किस तरह से अपने आप को बना के रखा था, और जो एक एक होता है सिलेबस खत्म करना, फिर एन मोमेंट पे उसको कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, बुक्स वगैरह की बात करेंगे, नोट्स वगैरह कैसे बनाने चाहिए बच्चे को, रिविजन प्लान, इन सब के बारे में बात करेंगे, जो सभी आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। चलिए, प्लीज वेलकम मिस्टर रुद्र बनर्जी। रुद्रा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है और आपके परिवार वाले बहुत खुश होंगे, आपके साथी बहुत खुश होंगे, फ्रेंड्स जूनियर्स बहुत खुश होंगे, और आपका टीचर तो खुश है ही। चलिए, थोड़ा फीलिंग शेयर कीजिए, प्लीज शेयर योर फीलिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस इंटरव्यू। और सबसे खुशी की बात सर मेरे लिए यह है कि वो हैप्पी फॉर माई रिजल्ट। और सबसे बड़ा थैंक्स भी मैं आप ही को देना चाहूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी मैंने सीखा है इस प्रिपरेशन में, दिस 95% तो सर आप ही से सीखा है और रेस्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सो इट्स एन ऑसम फीलिंग सर कि मैं आपके साथ लाइव कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी मोमेंट है मेरे मेरे लाइफ में एटलीस्ट। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा अपना बिगिनिंग से थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरू किया था और यहाँ तक कैसे आए। सर मैं ग्रेजुएशन अभी वेस्ट बंगाल में कर रहा हूँ, बांकुड़ा यूनिवर्सिटी से। मेरा कॉलेज बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज है। मेरे को सर आईआईटी जैम के बारे में मोस्टली सेकेंड ईयर में पता चला, और कॉलेज के फ्रेंड से पता चला, कॉलेज प्रोफेसर से पता चला। तो फिर एक पर्टिकुलर जगह पे मैं सर्च कर रहा था, कहीं जगह होता है, तो वहाँ सर मेरे को सडनली आपका कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले मुझे आपके। तो वो जब मुझे मिला उसके बाद मुझे एक्चुअली सर रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली शायद ऐसा ही कंटेंट था जो मैं ढूंढ रहा था। और उसके बाद लाइक स्ट्रीमलाइन फ्लो में मेरी प्रिपरेशन चलती रही, बट वो एक बेस्ट मोमेंट था जब मुझे आपके लेक्चर्स मिले। उससे पहले ऐसा सच मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे क्या कुछ करना है। थोड़ा अपने जूनियर्स के लिए आप सब्जेक्ट वाइज कुछ बोलना चाहेंगे, पर्टिकुलरली आईआईटी जैम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रियल रियल एनालिसिस है, देन लीनियर अलजेब्रा है, देन ग्रुप थ्योरी है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वाला जो क्वेश्चन होता है रियल एनालिसिस। यस सर, सर इनिशियल मतलब मैं सबसे पहले यही चीज बताना चाहूंगा जूनियर्स को, जो मैंने रियलाइज किया कि आईआईटी जैम के सिलेबस पे अराउंड 7 to 8 chapters होते हैं। मैं पहले उसको अलग अलग डिफरेंशियबली समझता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, कैलकुलस, फिर ये। बट अल्टीमेटली सर जब मैंने आपसे पढ़ा और चीजों को इंटररिलेट किया, तो अल्टीमेटली यही मेरे को रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली जो मेजर पोर्शन है वो एनालिसिस है और अल्जेब्रा है, रेस्ट मतलब सब चीज उसी का इंटरलिंकिंग है। और सबसे बड़ी चीज जो करनी है, जो मैंने आपसे सीखा सर, कि इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स, कि अल्टीमेटली चाहे वो मल्टीवेरिएट कैलकुलस हो या फिर फंक्शनिंग वन वेरिएबल हो या फिर रिमैन हो, सब चीज अल्टीमेटली रियल एनालिसिस की तरह ही पढ़नी है, क्योंकि वो वही है। और वही अप्रोच के साथ अगर पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन होगा, और किस तरह अलजेब्रा को एनालिसिस के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, किस तरह से ग्रुप थियोरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैच होता है। मेरे लिए सर सबसे बड़ी चीज यही थी जब मैंने इस कंसेप्ट को सीखा, ऐसे पढ़ना को सीखा, जो पूरी तरह से मैंने सर आप ही से देख के सीखा कि अल्टीमेटली ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। सो इंटरलिंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, अल्टीमेटली टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड एनीथिंग इन हायर मैथमेटिक्स। चलिए, आपने इन स्टेटमेंट्स और में सर आपका लगभग, एक कोट मुझे अभी याद आ रहा है जो आपने बताया था, देर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, तो वो तो सर फॉलो करना ही है। यस यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। बच्चे, आपने इस तरह का स्टेटमेंट बोल के लगभग सारे सब्जेक्ट्स को एक तरह से बता ही दिया कि किस तरीके से आपने पढ़ा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बुक्स भी बता दीजिए जूनियर्स के लिए, और क्या क्या बुक्स थी, जैसे रियल में कौन सा बुक है आपके लिए, या कौन सा रिकमेंड करना चाहेंगे, और इसमें सर लीनियर बुक्स में। तो बहुत सारे, सबसे पहले सर रियल में आना चाहूंगा। ये सर मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रियल में जो सर टेक्स्ट आपने लिखी है, रियल एनालिसिस फॉर एंट्रेंस एग्जाम बाय विवेकानंद सर, वो टेक्स्ट में थ्योरी भी आपको मिलेगी, उस टेक्स्ट में क्वेश्चंस भी है, और जिस तरह से वो सॉल्व है और जिस लेवल की थ्योरी है, मतलब एग्जैक्टली सर वो चीज है कि एक तरह की थ्योरी पढ़ के आपको पता चलता है कि ये सब्जेक्ट है, और एक तरह की थ्योरी पढ़ के आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो भी जाते हैं।
तो एग्जैक्टली वो सर मुझे आपके टेक्स्ट में मिली कि जब मैंने थ्योरी पढ़ी मुझे एग्जैक्टली पता था कि किस जगह किस चीज के एप्लीकेशन होना है, फिर वो ग्रास्प में आ जाता है। सो रियल एनालिसिस के लिए सर आपकी टेक्स्ट बहुत अच्छी है, उसमें थ्योरी भी है और प्रॉब्लम्स भी है, वो तो बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूंगा रियल एनालिसिस के लिए। बाकी ग्रुप्स में तो सर गैलियन बहुत अच्छी किताब है, और रियल एनालिसिस में एक्स्ट्रा चाहे तो बार्टले शर्बट भी जो उन्होंने लिखी बहुत अच्छी किताब है। उसके सिवा डिफरेंशियल इक्वेशन में एसएल रॉस की अच्छी, बट टेक्स्ट की एसएल रॉस अच्छी है, और बाकी लिनियर अलजेब्रा में अगर चाहे तो हॉफमैन कुछ पढ़ सकते हैं, बट मेरे लिए तो सर आपके नोट्स ही सफिशियंट है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ये भी बता दीजिए कि कितना जो आने वाले आपके साथी हैं उनको कितना समय देना चाहिए, जैसे 6 मंथ्स का टाइम देना चाहिए, 8 मंथ्स का टाइम देना चाहिए, या थोड़ा कम समय में काम हो जाएगा वो, उस तरह से। मतलब कई बार क्या होता है, हम तैयारी करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, बीच बीच में होप लूज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा बताओ किस तरह से किया आपने, और आगे मतलब हमारा ये इंटरव्यू आगे के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। सर स्टैंडर्ड टाइमिंग जो फिक्स है लगभग उसी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, जो कि अराउंड 1 या 10 मंथ्स, मतलब वो सफिशिएंट होता है टू प्रिपेयर। फिर लास्ट 3-4 मंथ में, क्योंकि सिलेबस लगता है सर कि 7 to 8 चैप्टर्स है, बट उसकी वास्टनेस बहुत ज्यादा होती है आईडी जैम के सिलेबस में, काफी वास्ट है। मतलब एक अकेला रियल एनालिसिस के अंदर कितनी चीजें हैं और उसको कितने डेप्थ में पढ़ा जा सकता है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो अराउंड 10 मंथ्स to 1 ईयर्स तो चाहिए परफेक्टली ग्रैप करने के लिए चीजों को। और मतलब मेजर यही है कि जो एक्चुअल चीज है अल्टीमेटली जो हेल्प करेगी इसमें वो है डेप्थ, डेप्थ ऑफ टॉपिक्स असली चीज है कि आप कितने डीपली चीजों को पढ़ सकते हो, और इंटर रिलेशन, डेप्थ इंटर रिलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और बाकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो सर अगर आपके साथ कोई अच्छा गाइड हो जो आपके साथ लग के पढ़ाए, और आपको उसके साथ मतलब उनके साथ आपके एक अच्छा इंटरकनेक्शन बनता हो, आपको कुछ कॉन्स्टेंटली कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, और अल्टीमेटली आपको रास्ता दिखता है कि एग्जैक्टली मैं ये कर क्यों रहा हूँ, या फिर ऐसी मैथ्स में पढ़ क्यों रहा हूँ जो अल्टीमेटली कहाँ लीड करेगी, तो वो अगर आपको परफेक्टली विजुलाइज होती है, और वैसे गाइड अगर आपके पास है फिर तो कोई इशू नहीं है। सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सर आप मेरे साथ हैं हमेशा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। थैंक यू। बच्चे, एंड मोमेंट पे जो हमने 1-1.5 महीना पहले टेस्ट सीरीज जो चलाया था उसका थोड़ा बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई नो वेरी वेल क्या क्या किया है मैंने टेस्ट सीरीज में, को पता है हर बार क्या कोशिश रहती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में तो सर इस बार कुछ स्पेशल था ही, बिकॉज मैंने ये चीज कईयों को शेयर किया कि अल्टीमेटली जब मैं टेस्ट दे रहा था रियल टेस्ट, तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद मे बी वो फील नहीं हुआ, मैंने जब स्टार्ट किया क्वेश्चन पिकिंग करना और अप्रोच क्वेश्चन पेपर में, ऐसा ही लगा सर जैसे मैं अल्फा प्लस का कोई 11th टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ या लास्ट वाला टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, ऐसा ही मुझे एग्जैक्टली फील हुआ जो आपने कहा था कि वो लास्ट टेस्ट सीरीज है, लास्ट एग्जाम, तो वही पैटर्न सर मुझे लगा। और इवन तो मतलब कोई एंशियसनेस भी फील नहीं हुई, मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये चीज मैंने उन टेस्ट में भी करी है और वो सेम स्ट्रेटेजी मेरी इधर अप्लाई भी हो गई, मेरे को कोई नर्वसनेस नहीं हुआ अल्टीमेटली। सो टेस्ट सीरीज में सर क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल पे भी होते थे, और एग्जैक्टली जैम में जिस तरह का आपको प्रिपरेशन चाहिए या जो टाइम मैनेजमेंट चाहिए वैसे टाइप के क्वेश्चंस रहते थे, सेटल भी वैसे की जाते थे। और सर आपके सॉल्यूशंस जो बाकी जगह नहीं मिलेंगे वो है कि आप लाइव सॉल्यूशन कराते थे और कंप्लीट कराते थे, मतलब वो नहीं कि की मिल गया मुझे, तो वो सबसे मेजर चीज थी टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट भी कई सारे हुए थे और काफी अच्छी तरह से डिजाइन टेस्ट थी। बहुत अच्छी बात है। जूनियर्स के लिए अगेन संदेश, प्रिपरेशन में फायर कैसे हो, जैसे एग्जांपल के लिए हम सिलेबस तो कर लेते हैं, बट वो जो लेवल है वो लेवल, जैसे अनसीन क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चंस होने लग जाएं, या काफी सारा चीज समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे। कई बार क्या होता है, एकदम बच्चा ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, अल्टीमेटली क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। मतलब यही है कि बच्चा एक तो पढ़ता है, प्लस वो अपनी तैयारी को प्रोपेल कैसे करे कि उसका काम हो सके, यह होता हुआ लगे कम से कम फायर। सर मतलब अल्टीमेटली सर सर सिलेबस तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही कंप्लीट करते हैं, करेंगे भी। उसमें अल्टीमेटली सर जो आपने कहा कि फायर ऑफ प्रिपरेशन, वो फर्स्ट तो सर प्रैक्टिस के साथ आती है, लेकिन सर सबसे बड़ी चीज है जब क्वेश्चन प्रॉब्लम पे आती है कि क्वेश्चन सॉल्विंग में कि अचानक ब्लैंक हो जाते हैं, वो तो सब मेरे साथ भी होता है। लेकिन सर आपने एक चीज कहा था जो मैंने धीरे धीरे सीखी कि दिमाग शांत रखने से जो प्रॉब्लम्स इनिशियली आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर अपने दिमाग शांत रख के उसको इधर उधर 3-4 एंगल्स में सोचा, तो वो अल्टीमेटली क्वेश्चन का साइड निकल के आता है अगर आपने इनिशियली उसके ऊपर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा है, आपको थ्योरी की ग्रास्प है। तो दिमाग शांत रखना तो सबसे बड़ी चीज है, और उसके पीछे आपका प्रैक्टिस भी रहना चाहिए, और मतलब क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी चीज है,
और क्लैरिटी ऑफ माइंड रख के क्वेश्चन को करना, मतलब वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस में तो रियली ये चीज टेस्ट होती है, जो आपने कहा था कि एमएसक्यू स्टूडेंट्स को टेस्ट करती है, तो उसमें पूरी चीज डिपेंड करती है कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ कह सकते हो कि ये ऑप्शन सही है तो है, मतलब वो क्लैरिटी के साथ ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे कहीं, क्योंकि एक छोटा सा डाउट भी आपको नेगेटिव मार्किंग दे सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रुद्रा। तो भाई जो भी बातें बताई आपने, मैं सच बोलूं तो सारी बातें आगे आने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जो जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रही। तो इसी के साथ आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, जीवन में बहुत अच्छी सफलता हासिल कीजिए, नई नई ऊंचाइयां छूइए, और वेरी ऑल द बेस्ट आपके परिवार को भी। आप थैंक यू वेरी मच रुद्रा, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, गाइडिंग मी थ्रू, बहुत बहुत शुक्रिया।